हेलो एंड व्हाट इज़ अप पीपल, आई होप यू आर डूइंग वेल। गुड मॉर्निंग है और आज है 7th of September और आज मुझे जाना है जय के साथ देहरादून। उसको अपने कॉलेज में कुछ फॉर्म वगैरह सबमिट करने हैं, सो चलते हैं उसके साथ। विजय मुझे लेने आज भाई और भैया जी ने कहा 7 बजे चलेंगे, अब हो रहे हैं 9:15 बज चुके हैं। देखिए कोई टाइम का कुछ मजबूरी नहीं है बंदे में। ब्रो आप इतना लेट कैसे हैं? बस क्या कह सकते हैं, आप क्या ही कह सकते हैं। तो हम निकल चुके हैं आप रुड़की से, पहले पेट्रोल फिल कराएंगे उसके बाद निकलते हैं देहरादून। रिकॉर्डिंग शुरू रखिए, कोई भी लड़की अगर पीछे प्रसाद दे रहे हमारे पास प्रूफ होएगा। हाँ तो कैसा वेदर, क्या प्यारा वेदर हो रहा है यार। पेट्रोल फिल करवा के हम निकल चुके हैं देहरादून के लिए। ये फ्लाई ओवर है यहाँ पे बरवा रहे जय। सो ये फ्लाई ओवर से हम राइट लेंगे तो बाईपास पे निकलेंगे एकदम, तो बाईपास सीधा जाएगा बिहारीगढ़ साइड, और अगर जाएंगे सीधा तो छुटमलपुर साइड तो भी शॉर्टकट से ही जाएंगे जब बाईपास बन गया। बाईपास से काफ़ी फ़ायदा हो गए, काफ़ी स्पीड में स्पीड भी सही है और पहुंच भी थोड़ा जल्दी ही जाते हैं। अराइट अराइट ए लौंडे चलें क्या भाई। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं देहरादून। सो क्या लिखा है बोर्ड पे, वार्म वेलकम टू उत्तराखंड। सो थैंक यू। We'll be right back.
सो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं जेके कॉलेज। यह है डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून। और पुलिस पुलिस तो यहाँ पे इतनी सारी पुलिस पता नहीं क्यों यार, मैं तो पहली बार देखे क्योंकि मेरे कॉलेज में तो कुछ ऐसा सीन है नहीं भाई। बट यहाँ दिखा दो क्या हुआ इसमें, भीड़ कितनी है भाई। क्या सन्नाटा है, कॉलेज है भूत बंगला। कौन सी क्लास है तेरी? वो वाली। ये हाँ ये वाली। और सो नाउ वी आर एट पैसिफिक मॉल विद जय ब्रो। सो थोड़ा सा घूमते हैं, देखते हैं क्या लेना है, क्या खाना खाना वगैरह देखते हैं कुछ। Maybe it's whatever, or this ever but you long gone, it don't matter. जय को ट्राई करना है ये। पैसिफिक मॉल है और यहाँ पे फोटो ना खींचा है तो क्यों ही आए। तो पैसिफिक मॉल से बाहर निकले और मौसम देखिए बस, ओए होए बारिश होने वाली है। लेट्स गो, चलो 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 चलो। ये ब्रो पे स्कूटी नहीं खींच रही है, हमें खींचनी पड़ रही है यहाँ पे। वो कहा था कि बारिश हो सकती है, मैं सिर्फ कहा था कि बारिश हो सकती है, सही में थोड़ी स्टार्ट हो गई, थोड़ी थोड़ी बूंद पड़नी स्टार्ट हो चुकी है। सो मैं और जय अभी यहाँ पहाड़ों के बीच में रुके थे तो हमें ये लोकेशन मिली, हमने थोड़ी बहुत फोटोज़ वगैरह खींची और लोकेशन तो काफ़ी अच्छी है, मतलब फोटोज़ वगैरह के लिए तो काफ़ी अच्छी है। ये वाले पुल के नीचे हमें हम बिल्कुल जो छोटा सा पुल है ना यहाँ पे पहाड़ों के बीच में, यहाँ पे मतलब यहाँ से व्यू इतना अच्छा है ना, बहुत ही अच्छा। ऐसी सी कुछ ये लोकेशन थी, काफ़ी अच्छी है मतलब कि बैकग्राउंड वगैरह सब। वो खड़ी है हमारी स्कूटी ऊपर मोड में। चलो भाई हम देहरादून से 3-4 बजे के आसपास आ गए थे, हम काफ़ी थक गए थे सो कुछ बाहर का और शूट करा ही नहीं। और आई होप यू लाइक द ब्लॉग, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट ब्लॉग विल बी सून। बाय बाय।